मायावती के एक फैसले की जिसने सियासी खलबली मचा दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को पद से हटा दिया है। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटाने का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती द्वारा किया गया। साथ ही आगे वो लिखती हैं कि पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं। तो देखिए, एक बड़ा फैसला लेते हुए मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की कि आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर और उनके उत्तराधिकारी, जो दोनों घोषित किए गए थे, इससे हटाया जाता है। फौरन पार्टी के पद से हटाते हुए उत्तराधिकारी जो घोषित किया गया था वो भी हटा दिया गया। तो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जानकारी को साझा किया और आगे लिखा कि पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं। बीएसपी के लिहाज से ये बड़ा फैसला। आगे वो लिखती हैं, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती के इस फैसले का असर एक तो चुनावों के दरमियान क्या पड़ेगा और पार्टी में इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। रजनीश, मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी भी नहीं और पार्टी के कोऑर्डिनेटर जो घोषित किए गए थे नेशनल कोऑर्डिनेटर, उस पद से भी हटा दिया गया। देखिए प्रीति, मायावती का जो फैसला है वो सियासी फैसला कम पारिवारिक फैसला ज़्यादा लग रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि जिस तरीके से ये उत्तराधिकारी कुछ साल पहले एक राजाराम हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने बनाया था, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, पूर्वांचल से ताल्लुक रखते थे, तब से माना जा रहा था कि मायावती का उत्तराधिकारी राजाराम होंगे। किसी बात पर नाराज हो गई और राजाराम पैदल हो गए। देखिए बसपा में क्या रहा, काशीराम, काशीराम के बाद मायावती, मायावती को लग रहा था कि एक उम्र के बाद एक ऐसे हाथ में कमान होनी चाहिए बसपा की, जो बसपा मूवमेंट और बसपा मिशन को आगे बढ़ाए। हमेशा से जैसे कि मायावती जी कहती रही है या दावा रहा है कि जो बसपा मिशन को आगे बढ़ाएगा, जो बहुजन मूवमेंट को तेज करेगा, उसी के पास बसपा की बागडोर होगी। चूंकि आकाश आनंद की जो लॉन्चिंग हुई थी, इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, वही हुई थी कि विरासत परिवार में ही चली गई। चूंकि आनंद के इनके छोटे भाई आनंद हैं, आनंद के ये बेटे हैं और इनकी माना जा रहा था कि धीरे धीरे पार्टी में दखल बढ़ रही है, जिस तरीके से इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और जी तो देखिए, कुल मिलाकर के मायावती का ये फैसला पारिवारिक ज़्यादा लगता है, राजनीति के जानकार भी यही मानते हैं, लेकिन चुनावों के बीच में मायावती का ये फैसला क्या रंग दिखाता है और नतीजों पर क्या इसका असर पड़ेगा पार्टी के लिहाज से, ये देखना अहम रहेगा। फिलहाल आकाश आनंद, जो कल तक नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और मायावती के उत्तराधिकारी थे, फिलहाल पद से हटा दिए गए हैं। मेरे सहयोगी रजनीश तमाम जानकारी दे रहे थे।